सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सर्द महरी खत्म होने लगी। इराक की मेज़बानी में मुज़ाकरात के बाद उर्दन में भी डायलॉग का इनेकाद हुआ। थिंक टैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी और ईरानी माहरीन के दरमियान बातचीत में सिक्योरिटी और तकनीकी मामलात से गौर आए, मिज़ाइलों और ड्रोन्स के खतरात को कम करने पर गौर किया गया, जबकि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर एतमाद में इजाफे के लिए इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई। थिंक टैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी और ईरानी माहरीन के दरमियान बातचीत में सिक्योरिटी और तकनीकी मामलात से गौर आए, मिज़ाइलों और ड्रोन्स के खतरात को कम करने पर गौर किया गया, जबकि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर एतमाद में इजाफे के लिए इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई। थिंक टैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी और ईरानी माहरीन के दरमियान बातचीत में सिक्योरिटी और तकनीकी मामलात से गौर आए, मिज़ाइलों और ड्रोन्स के खतरात को कम करने पर गौर किया गया, जबकि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर एतमाद में इजाफे के लिए इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई। थिंक टैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी और ईरानी माहरीन के दरमियान बातचीत में सिक्योरिटी और तकनीकी मामलात से गौर आए, मिज़ाइलों और ड्रोन्स के खतरात को कम करने पर गौर किया गया, जबकि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर एतमाद में इजाफे के लिए इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई।